तो आज हम लोग आए हुए हैं लंच के लिए, तो हमने सोचा कि हम लोग साउथ इंडियन फूड ट्राई करते हैं। और हम लोग आए हुए हैं सारंग भोजनशाला में। तो ये वाला जो ब्रांच है सारंग भोजनशाला का, ये लोकेटेड है मनखूल एरिया में। तो हम लोग जैसे आए हुए हैं, आप भी आ सकते हैं और यहाँ पर ये जो एक स्पेशल डिश है इसे ट्राई कर सकते हैं। वेलकम बैक टू अवर चैनल हाइडॉग बेस। तो आज हम लोग आए हुए हैं सारंग भोजनशाला में। तो हम लोग आए हुए थे यहाँ पर लंच के लिए, लेकिन यहाँ पर आके हमें सरप्राइज मिल गया। वो ये है कि यहाँ पर लॉन्गेस्ट डोसा मिलता है, 5 फीट लॉन्ग डोसा। तो हम लोगों ने वो ऑर्डर किया है। उसके साथ यहाँ पर और भी बहुत सारे डिफरेंट वैरायटी के डोसा है, कम से कम 10-15 डिफरेंट वैरायटीज है। इवन चॉकलेट डोसा भी है। तो हम लोगों ने ट्राई, हम दो ही आए हैं, लेकिन ये सजेस्टेड है कि अगर आप इतने बड़े डोसा को खाने के लिए आ रहे हैं, मिनिमम 4 लोग यहाँ पर आ सकते हैं फुल डोसा को खाने के लिए, लेकिन हम दोनों ही आए हैं। सो दे कॉल इट फैमिली डोसा। हाँ, ये फैमिली डोसा है। तो अब इस डोसा को मे बी हम लोग कंप्लीट करेंगे, आज खाएंगे, आज रात को भी यही खाएंगे, कल सुबह को भी यही हमारा ब्रेकफास्ट होगा, स्नैक्स भी शायद ये होगा, तो हमारा ख़त्म करते करते कल हो जाएगा। लेकिन हम लोगों ने इसे ऑर्डर किया है। व्हाट इज़ द प्राइस? प्राइस इज 65 इफ इट इज़ मसाला डोसा। दे मसाला इज़ विथ पटेटो। ओके, सो दैट इज 65 एंड आई गेस प्लेन डोसा इज 58। हाँ, और हमने इनसे प्रिपरेशन टाइम पूछा, तो डोसा में जो प्रिपरेशन टाइम है वो है 20 मिनट्स, 15 to 20 मिनट्स वो डोसा प्रिपेयर होने में लगता है। और एक टेबल पे आएगा नहीं, इसलिए दोनों टेबल को अटैच किया है। तो यहाँ पर 10-15 टाइप के डोसा नहीं, यहाँ पर वाइड रेंज है डोसा के। जब मैंने मेन्यू खोला तो मैंने देखा यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस है डोसा के। और तो यहाँ पर कुछ चटनी है, कोकोनट चटनी, और ये पोटैटो मसाला है, और ये है सांबर। दो प्लेट हमें दे दिया है और हम लोग अभी वेट कर रहे हैं। तो वेट करते करते ये आ गया हमारा डोसा, और वहाँ पर जितने भी लोग बैठे थे ये उनका रिएक्शन था। ऐसा ही रिएक्शन हमारा भी था। हम लोग सोच रहे थे, हमने इतना बड़ा डोसा कभी नहीं देखा था, और अभी हम लोग उसको ट्राई करने वाले थे। कहाँ से स्टार्ट करें? एंड दिस इज 1.2 मीटर, द लेंथ इज 1.2 मीटर, 5.5 फीट। आई डोंट नो हाउ वी आर गोइंग टू फिनिश ऑनली बोथ ऑफ अस। जस्ट ट्राई। आज खाएंगे, कल खाएंगे, सुबह खाएंगे, स्नैक्स में खाएंगे, ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच सब में खाएंगे। लेट्स स्टार्ट इट नाउ। आधा भी नहीं हुआ, 40% कम्प्लीट कर दिया। देखते हैं कितना जाता है। और हम लोगों ने उसके साथ फिल्टर कॉफी ऑर्डर किया। हमने यहाँ से बहुत बड़ा था, इतना बड़ा था वो, यहाँ से इतना कंप्लीट हुआ, और वो भी वहाँ तक था, वहाँ से हमने आधा किया। आई थिंक वी कंप्लीटेड 35-40%। देखते हैं कहाँ तक ले सकते हैं। आधा हो गया, आधा बाकी है, अभी और नहीं हो रहा है, हो गया। लेट्स पैक इट। तो हमारा हो गया है, और बहुत ही अच्छा था। खाने के बाद भी डोसा हमारा इतना ये रिमेन, मतलब आधा खाने के बाद भी इतना। ये भी 1 फीट के तक होगा। एक क्या, 1.5 फीट होगा ये? हाँ। तो हमने सारे क्या 4 फीट खा लिया और 1.5 फुट बाकी है। We are done with the biggest dosa. It was a very good experience. It cost around 64 dirham because we took the masala one. If you don't take the masala one, then it will be 54 dirham. And at least you need 4 people to finish it. We were 2, we could not finish it. But we almost finished. And itna remaining hai. Itna remaining hai. We almost finished. We completed 60%. Okay, as per them 60%, for us, as per them it is good performance. Okay.
यू कैन कम एंड ट्राई एंड द टेस्ट इज आल्सो वेरी गुड इज व्हाट 64 दिरहम इज व्हाट थैंक यू तो आज का व्लॉग इतना ही अगर आपको हमारा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए इससे हम फ्यूचर में जो वीडियोस बनाएंगे उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे थैंक्स फॉर वाचिंग